बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंशु सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। ये वो किसान हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आज के हमारे ऐसे ही सफल किसान हैं पवन कुमार कुशवाहा, जो कि वैसे तो विदेश में यानी ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन उनका मन था स्वदेश में और इसीलिए वापस वो भारत लौटे और कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा और यहाँ उनका मार्गदर्शन किया कृषि वैज्ञानिकों ने और उन्हें बताया कि कैसे वर्मी कंपोस्ट को अपनाकर वो इस राह में सफलता हासिल कर सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। पवन कुमार कुशवाहा ने इन वैज्ञानिकों की सलाह पर काम किया, आगे बढ़े और आज बन गए हैं हमारे आज के सफल किसान। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65% भाग कृषि पर निर्भर है। इसी राज्य से हमारे सफल किसान पवन कुमार कुशवाहा भी आते हैं। कुशीनगर जिला मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। बात करें खेती किसानी की तो यहाँ की मुख्य फसल गेहूं, धान, गन्ना आदि है। कुशीनगर के रहने वाले पवन कुमार कुशवाहा भी इन दिनों खेती किसानी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। कैसे, तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं एक इंटरनेशनल जॉब जो मैं ऑस्ट्रेलिया में करता था, तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि जॉब के अलावा भी जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जो अपनी भविष्य की प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग गांव में भी कुछ व्यवस्था डेवलप किया जाए, कुछ फैसिलिटी डेवलप की जाए। तो उसी सोच के तहत मैंने गांव में गौशाला का शुरुआत किया। गौशाला ज्यों ज्यों आगे बढ़ा, चूँकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि चूँकि शहर से दूर हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी वजह से मार्केट जो गौशाले का जो होना चाहिए दूध का जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रॉपर हो नहीं पाया, जिसके वजह से मेरा जो बिजनेस था गौशाला वाला थोड़ा सा नुकसान में रहा। तभी उस समय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमको कुछ सहयोग मिला और जो गाय के गोबर से जो पैसे का इनकम किया सकता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी कि गाय के गोबर का उपयोग कैसे किया जाए, स्पेशली बायोगैस में और उसका जो वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है उसमें, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उनके माध्यम से मुझे ये तरीका या टेक्नोलॉजी मिली, उन लोगों ने सिखाया और फिर मैंने वर्मी कंपोस्टिंग और बायोगैस का यूज़ गाय के गोबर से कैसे किया जाता है उसको शुरुआत किया। पवन कुमार का प्रयास है कि खेती किसानी के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं इनके फार्म में ही उपलब्ध हों। इसी सोच के साथ पवन जी ने शुरुआती दौर में एक छोटे से गौशाला का निर्माण किया। अभी पवन अपने फार्म में गाय, बकरी, मुर्गी एवं मछली का पालन करते हैं। पवन ने कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श लेकर एक छोटी सी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर नई शुरुआत की। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इन्हें बाहर से रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पशुओं के अवशेषों को प्रयोग में लेकर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इससे इन्हें काफी फायदा होता है, लेकिन एक सवाल मन में ये भी आता है वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग को लेकर। तो चलिए मार्केटिंग के बारे में जानते हैं हमारे सफल किसान पवन जी से ही। 2012 में मैं वर्मी कंपोस्टिंग किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो मार्केटिंग भी हुआ, क्योंकि जागरूक
जो किसानों को करना होता है, उनके साइंटिस्ट जो भी हैं उनके माध्यम से किसान लोगों को जागरूकता मिली है कि कम से कम अपने वर्मी कंपोस्ट का खेत में उपयोग करके जो जैविकता है खेती बाड़ी का वो बढ़ाया जाए। तो जो जो समय बढ़ता रहा वैसे वैसे मेरा मार्केटिंग भी डेवलप करता रहा, मैं प्रोडक्शन भी होता रहा। शुरुआत में गाय के गोबर से रहा, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन की डिमांड ज़्यादा आती गई तो मेरे लिए चैलेंज था कि भाई उतना गाय उतना मेरे पास गोबर का प्रोडक्शन था नहीं। तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट लोगों के माध्यम से जो फसल अवशेष के माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, फिर उसकी टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई। फिर उसके बाद से जो भी अन्य पशुओं के जो अवशेष हैं, जैसे बकरी की मैगनी या मुर्गी का जो वेस्ट होता है, मलमूत्र होता है, उसके माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी मुझे प्राप्त हुई, उन लोगों के माध्यम से सीखा मैंने। और आज मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का जो रॉ मटेरियल है वो गाय का गोबर भी है, बकरी का जो मैगनी है वो भी है, मुर्गी का खाद भी है, पुआल भी है, भूसा भी है, जो कुछ भी मतलब नेचुरली हमारे पास उपलब्ध है सबका मैं वर्मी कंपोस्टिंग करता हूँ और सक्सेसफुली उसका मार्केटिंग भी करता हूँ। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसे खेती किसानी के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। जैविक खाद मूल रूप से एक व्यवस्थित कीट पोषण प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के भीतर विद्यमान अन्य जैविक पदार्थों का अवशोषण कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। जैविक खाद विधि से बहुत कम समय में सामान्य तापक्रम के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जा सकती है जिसमें केचुओं की समुचित प्रजातियों का उपयोग होता है। इसमें केचुओं की आंतों में विद्यमान सेलुलाज तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर निगले हुए जैविक पदार्थों का बड़ी तेजी से विघटन करते हैं। ये केचुए अपनी पाचन क्रिया और जैव पदार्थों के संयुक्त मिश्रण के प्रभाव से एक अपशिष्ट पदार्थ बाहर छोड़ते हैं जिसे वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि ये केचुआ कितना हेल्दी हैं और यही मौसम है जिसमें केचुआ प्रजनन करके अपने बच्चे पैदा करते हैं, इनको जाड़ा बड़ा पसंद है। तो जैसे ही जाड़े का मौसम बीतता है उसके बाद से ये लोग अपना प्रजनन करके अपने अंडे का उत्पादन करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो अंडा है ये अंडा लगभग मैच्योर होने की स्थिति में है और इस अंडे में से 5 से 7 बहुत पतले पतले केचुए निकलेंगे और फिर उसके बाद से धीरे धीरे खाना खा के अपने आप को डेवलप करेंगे। तो इनकी जो जनरेशन होती है, पैदावार होती है, वो तो बहुत शानदार होती है। और लेकिन चूंकि यही एक बहुत नाजुक होते हैं, ये तो जल्दी मरते भी हैं दूसरे कारणों से, लेकिन यह है कि अगर उचित रख रखाव किया जाए, उचित इन लोगों का माहौल दिया जाए तो केचुए की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है और बहुत शानदार उत्पादन करते हैं ये केचुए। केचुआ बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने वाले होते हैं। वे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का अक्षरण करते हैं और उसका कुछ भाग अपशिष्ट पदार्थ या वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में बाहर छोड़ते हैं। पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कास्टिंग पौधों के लिए एक पौष्टिक खाद है। यह कृमि खाद पोषक तत्वों की आपूर्ति एवं पौधों में हार्मोन्स को बढ़ाने के अलावा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाता है जिससे मिट्टी द्वारा पानी और पोषक तत्व धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद के बारे में और विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। याद रखिए, अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हें से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आप तक कहानी पहुंचा रहे हैं पवन कुमार कुशवाहा की, यानी उनकी सफलता की कहानी। कैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नौकरी छोड़ी और भारत लौटे और यहां पर अब वो वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पवन कुमार कुशवाहा का और जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के तमाम पहलुओं के बारे में।
वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक उत्पादन प्रक्रिया है जो कीटाणुओं के सहयोग से जैविक अपशिष्टों को कंपोस्ट बनाने का काम करती है। यह एक पर्यावरण सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया है जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पवन कुमार कुशवाहा ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जो सिर्फ पवन को ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। सफल किसान पवन का मानना है कि मिट्टी की सेहत के लिए रासायनिक खाद को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे मिट्टी की उर्वरता काफी अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। इनका मानना है कि मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केचुआ काफी उपयोगी है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। इतने सालों से मैं ये वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा हूँ, धरती माँ की सेवा कर रहा हूँ, जो मुझे अनुभव मिला है उस अनुभव के आधार पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना है तो सबसे बढ़िया जो साधन है वो ये केचुआ है। इससे बेहतर कोई संसाधन नहीं है केचुआ के अलावा जो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार सके। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, इसलिए कम से कम इस केचुए के महत्व को पहचाना जाए। हम ये कहते हैं कि केचुआ गाय का पूरक है। अगर गाय जमीन के ऊपर भगवान के रूप में है तो जमीन के नीचे ये केचुआ भगवान के रूप में है। अगर केचुआ जब तक जिंदा है तब तक धरती माँ स्वस्थ है और हम लोग को स्वस्थ रखने के लिए जो भी अनाज आएगा, जो भी वहाँ से उत्पादन आएगा, हम लोग खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन रासायनिक खाद से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह सामान्य तौर पर होने वाली खेती से अलग है और इसमें जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग तब और आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ किसान खेती करते हैं। हमारे सफल किसान पवन का मानना है कि अगर किसान वर्म फार्मिंग पर ध्यान दें तो इससे मिट्टी की सेहत में सुधार के साथ किसान की आय में भी वृद्धि होगी। तो अमेरिका जैसे कंट्री में जो लोग थोड़ा जागरूक हैं तो वो लोग वर्म फार्मिंग करते हैं और वही वर्म्स जाके मिट्टी में डालते हैं और लगातार, क्योंकि मिट्टी में भी इनका प्रोडक्शन होता रहता है, तो 3 से 4 साल में, 5 साल में जो मिट्टी जो बीमार हो चुकी होती है ना, बंजर हो चुकी होती है, वो दोबारा का उसमें जीवन आ जाता है, जान आ जाता है और दोबारा सजीव हो जाती है। और जब मिट्टी सजीव हो गई तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वातावरण का जो पेड़ पौधा है, जो इकोसिस्टम है, वो खुद ब खुद अपने आप सुचारू रूप से अपने नेचुरल वे में काम करने लगता है और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है डेवलप हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए वर्म फार्मिंग भी एक कंसेप्ट है जो अपने भारत में लोगों को जानना चाहिए, करना चाहिए। पवन कुमार कुशवाहा अपने गांव में ही पशुपालन के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगाए हुए हैं। इनका मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ साथ गांव का भी विकास होगा। पवन के पशुपालन करने की मुख्य वजह है कि ये पशुओं के अपशिष्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। पवन ने अपने फार्म में वर्मीवास, गोबर और गोमूत्र को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग टैंक लगाए हैं। पवन जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने खेती बाड़ी सिस्टम में हम लोग कहते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए एज ए टॉनिक। तो लिक्विड फर्टिलाइजर चूंकि एक तो रासायनिक भी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन है क्या कि गांव का जो इकोसिस्टम है, गांव का जो परिवेश है, उसमें चूंकि गांव के लोग गांव के ही अगर हेल्प करेंगे तो कुछ गांव के लोगों का विकास होगा। तो हम चूंकि गांव में ही रह के ये जो पशुपालन है, चाहे ये जो खाद का जो काम है, वर्मी कंपोस्टिंग है, मैं वो कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास जितने भी पशु हैं तो पशु का जितना भी अवशेष है, चाहे वो मल के रूप में हो चाहे मूत्र के रूप में हो, मैं उसका उपयोग जीवामृत बनाने में चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने में कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे पास वर्मीवास आ रहा है वो यहाँ पर टैंक में इकट्ठा हो रहा है, जो गौमूत्र आ रहा है वो बगल के टैंक में इकट्ठा हो रहा है,
और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जैसे कि वर्मीवास गौमूत्र से हम जीवामृत डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि इसमें जो गुड़ बनाने का जो अवशेष होता है जैसे बदर मैया हम लोग अपने भोजपुरी में बोलते हैं वो है, बेसन है, इसमें प्याज का रस है, इसमें डिकम्पोजर भी डाले हैं, उसमें नीम का भी पत्ता डाले हैं, उसमें प्याज मिर्चा भी है, लहसुन भी है, जो सुरती का डंटल होता है वो डाले हैं, मतलब जो भी ईजिली उपलब्ध है अपने गाँव समाज में जो अपने बाग बगीचे में सबका उपयोग करके जो जीवामृत बनाया गया है जो अपने फसलों के जड़ों पे भी दिया जाता है और साथ में किसी किसान को अगर स्प्रे करना हो तो एक लीटर में 5 लीटर पानी मिला के वो अपने फूल पत्ती पे चाहे पेड़ पौधे पे स्प्रे करे बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है, मतलब कि कुल मिला के ये पौधे का अमृत है, इसलिए इसको हम लोग अपने भाषा में जीवामृत बोलते हैं। तो हम लोग सब डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर और इजिली किसानों के लिए बहुत ही उचित दाम पर उपलब्ध है अपने किसानों के लिए गाँव समाज के लिए। अगर वर्मी कल्चर को पूर्ण रूप से अपनाया जाए तो खेती के लिए काफी मददगार साबित होगा। वर्मी कल्चर में पौधे और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने का एक लाभकारी तरीका है। वर्मी कल्चर मुख्य रूप से कीड़ों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। फिर फसलों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। इसी के साथ ही सफल किसान में हर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे पवन कुमार कुशवाहा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को भी अपनाया है, जानेंगे इसके बारे में भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पवन कुमार के फार्म का, जहां पर वो एकीकृत कृषि प्रणाली को भी अपनाते हैं। जी हाँ, एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका है कृषि का जिसमें तमाम घटकों को साथ लेकर हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे की जाती है एकीकृत कृषि और कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग से पवन कुमार कुशवाहा को लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। एकीकृत कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसमें दो या इससे अधिक उद्यमों का एकीकरण शामिल होता है। इसमें किसान की अधिकतम जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि, कृषि अपशिष्टों का कुशल पुनर्चक्रण, संसाधनों का बेहतर उपयोग और रोजगार पैदा होते हैं। इसमें जोखिम कम होने के साथ स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। एकीकृत कृषि प्रणाली का उद्देश्य संबंधित उद्यमों के साथ फसलों की गहनता और विविधीकरण के आधार पर प्रति क्षेत्र प्रति समय उपज को अधिकतम करना है। इसके अलावा यह पोषक तत्व पुनर्चक्रण सुनिश्चित करती है। तालाबों में मछलियों के साथ बत्तख या मुर्गी पालन के अलावा तालाबों के किनारे या तालाबों के ऊपर में पशुओं द्वारा तालाब का निरंतर जैविक निषेचन किया जाता है। इस प्रकार पशु और चारा अपशिष्ट के लाभदायक उपयोग से पशुधन, कृषि और मछली पालन की दक्षता बढ़ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें मुर्गा पालन और मछली पालन एक साथ करने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं कि पशुपालन में अगर एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे के लिए अगर रॉ मटेरियल फीड के रूप में काम आ जाए तो आपका एफिशिएंसी या जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे मुर्गा पालन प्लस मछली पालन एक साथ ये हो रहा है, जैसे कि नीचे पोखरा है, पॉन्ड है और ऊपर हमारा कड़कनाथ मुर्गी फार्म है जिसमें जो साइज़ है उसमें 100-150 मुर्गियाँ आराम से रह लेती हैं। तो
दिन में चूंकि हमारा जो ये मुर्गियां हैं बाहर चरती हैं, क्योंकि उनको नेचुरल फीड मिलता है, साथ में धूप की भी आवश्यकता पड़ती है मुर्गियों को, तो वहाँ पे जाके अपना धूप सेकती हैं, खाना खाती हैं, दिन भर बाहर आती हैं। लेकिन जैसे होता है रात में वो अपने आप चली आती हैं और रात भर यहीं करती हैं। तो रात भर जो वो बीट करती हैं तो वो मुर्गियों मछलियों के लिए वो फीड का काम करता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये रहती है कि अगर 5 से 6 दिन लगातार अगर पानी को चेंज न किया जाए तो पानी गंदा हो जाता है और मछलियाँ मरने लगती हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रात में छोटा सा 1 घंटे के लिए हम लोग पानी चला देते हैं कि पानी का सर्कुलेशन हो जाए। इसका जो पानी का ओवरफ्लो होता है बगल में जो हमारा पॉन्ड है बड़ा वाला वहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा कभी भी पानी गंदा नहीं होता, मछलियों के अनुकूल रहता है। पवन कुमार कुशवाहा अलग अलग देशों में नौकरी कर चुके हैं लेकिन नौकरी रास नहीं आई। कहते हैं ना कि मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो कुछ करने की तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने साथ दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर आज पवन आसपास के लोगों को भी फायदा कर रहे हैं। पवन का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भाग रही है, जबकि हम ठान लें तो नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। पवन आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, सुनिए। मेरा एक जो खुद का अनुभव है मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं भी जॉब करता था, अभी ऑस्ट्रेलिया में जॉब किया, चाइना में जॉब किया। वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि नहीं कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता था, जो मातृभूमि में अपना जो एक प्यार होता है ना वो खींच के लाता ही लाता है वापस। तो मेरा जॉब करने के साथ प्रयास था कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो आफ्टर जॉब मतलब रिटायरमेंट के समय में भी अपना कुछ रोजी रोटी के संसाधन डेवलप हो। तो उसी के सिलसिले में जॉब के साथ मैंने ये डेवलप किया। तो लगभग मेरा 15 साल का ये अनुभव है। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी लगातार किसानों के हित के लिए काम करते हैं। बात करें एकीकृत कृषि की तो इसे बढ़ावा देने के लिए अधिकारी किसानों को हमेशा जागरूक करते रहते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में रसायन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इस कृषि प्रणाली में मुर्गी पालन के अपशिष्टों को, बत्तख और मछली को आहार के रूप में उपयोग दिया जाता है। गोबर का इस्तेमाल खाद के लिए किया जाता है और खेतों में पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा गोमूत्र और नीम के अर्क को खेत में कीटनाशक के रूप में छिड़का जा सकता है। अनाज और इसके भूसे का उपयोग मुर्गी एवं गाय के आहार तथा चावल के भूसे को गाय के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पोल्ट्री की बेडिंग सामग्री का उपयोग खाद में भी किया जा सकता है। तालाब में जलकुंभी की तरह जलीय खरपतवार का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में बेडिंग सामग्री के रूप में किया जा सकता है। आज बढ़ती आबादी को देखते हुए रोजगार की संभावनाएं कम हो चुकी हैं और जो छोटी होती जा रही है, तो ऐसे में हम यही सलाह देना चाहेंगे कि किसान भाई जो एकीकृत कृषि है, एकीकृत कृषि को बढ़ावा दें। इसमें बहुत सारी फसलें हैं, तालाब है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, इन सबको एक संग्रहित एरिया में, संरक्षित एरिया में, छोटे से एरिया में आप कर सकते हैं। पवन कुमार कुशवाहा एकीकृत प्रणाली को संयमित तरीके से कर रहे हैं और इससे इन्हें काफी फायदा हो रहा है। इन्होंने केचुए के महत्व को समझा और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। अभी इनके साथ करीब 1000 किसान जुड़े हुए हैं। आसपास के किसान इनके फार्म में बने जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद की मार्केटिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी काफी मदद करते हैं। इनकी इस सफलता को देख आसपास के किसान इनसे प्रेरित होकर सलाह भी लेने आते हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि पवन कुमार कुशवाहा ने कैसे सफलता हासिल की।
हालांकि वो विदेश में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वदेश को ही चुना और वो भी वर्मी कंपोस्ट का क्षेत्र। आशा करते हैं कि उनकी सफलता की कहानी से आपको भी ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आएँ, तो आप हमें ईमेल करें, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। सफलता की कुछ ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। किसान, बदलते भारत की शान। DD किसान, बदलते भारत की शान।